सुल्तानों और ख्वाबों के शहर गुजरांवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से 10,000 से ज़ायद अफराद के लिए ग्रैंड सहरी का अहतमाम। शहरियों ने भी मज़ेदार सहरी के साथ खूब इंसाफ किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरफराज सिद्धू से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर और ख्वाबों के शहर गुजरांवाला में, और यहाँ पे एक ग्रैंड जो सहरी है उसका इंतज़ाम हो चुका है। तकरीबन 10,000 अफराद के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया है, और ये सहरी का जो इंतज़ाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो सीनियर नायब सदर हैं राशिद संधू साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीटी रोड गुजरांवाला पे। हम उनसे जानते हैं कि आज की जो सहरी है उसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं, और क्या ये फ्यूचर में भी इस तरह की ग्रैंड सहरी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ गुलाम हुसैन पार्क में एक बड़ी सहरी का हमने इंतजाम किया, और सारे गुजरांवालों को हमने दावत दी है कि आएँ हमारे पास यहाँ के सहरी करें, खाना खाएं। और इसके अंदर हमने मुर्ग चने और इसी अंदाज से मीठे चावल, और फिर इसी अंदाज से हमने इसमें लस्सी और ये ज़ियाफ़त का सारा अहतमाम किया है। और इसमें मकसद यह है कि हम ये एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि खाना खिलाकर हम एक दूसरे के करीब हों। हम नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त जो इस मसाइल हैं मुआशरे के वो हम सब जानते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने यह फ़ैसला किया कि हम लोगों को खाना खिलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बतें और कुर्बतें पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ ये हमारा 5वां साल है जिसके अंदर हम इस शहरी का ये बंदोबस्त करते हैं। आज तो हम यहाँ पर इंतज़ाम किया और लोगों को दावत दी। इसी तरह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो खाना वसूल करते हैं, और खाना वसूल करके पैक करके एक एक घर के अंदर पहुँचाते हैं। तो तकरीबन रोज़ाना हम 500-550 देखे हमारी वो बन रही हैं, और अल्लाह के फजल के साथ हम हमारे जो जो वॉलंटियर्स हैं वो घरों तक पहुंचते हैं, खाना लोगों को पहुंचाते हैं, लोगों की दहलीज तक पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है इस सोच के साथ कि हमने मोहब्बतें बांटनी है, लोगों को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और अल्लाह ताला को राज़ी करना है। जी जैसा कि आपने सुना, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो नायब सदर हैं राशिद अली संधू, उनका यही कहना था कि जो आज की सहरी का अहतमाम किया गया है वो सिर्फ मोहब्बतें बांटने और लोगों को एक दूसरे के करीब करने के लिए ये जो मौका है वो उन्होंने फराहम किया है। जी।